हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने दो तीन और चार से विभाजकता के नियम देखे थे। अब आज हम आपको आगे की संख्याओं के विभाजकता के नियम बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पांच से विभाजकता का नियम। अगर किसी भी संख्या के अंत में या हम कह सकते हैं इकाई के स्थान पर जीरो या पांच आता है तो वह संख्या पांच से विभाजित होती है। जीरो या पांच अगर आता है तो वह संख्या पांच से विभाजित होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए, 120, 21, 25, 1225। तो ये सभी संख्याएं पांच से विभाजित होंगी। हमें पूरा नंबर को देखने की जरूरत नहीं है, हम केवल अंतिम लास्ट की संख्या को देखेंगे कि ये अगर इनमें जीरो या पांच आ रहा है तो ये पांच से विभाजित होगी, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगी। अब हम देखते हैं छह से विभाजकता का नियम। अगर हम छह से विभाजकता के नियम की बात करें तो जो संख्याएं दो और तीन से विभाजित हो जाएंगी वह संख्याएं छह से भी विभाजित हो जाएंगी। इसके लिए हमने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में दो और तीन से विभाजकता की जांच के नियम बहुत विस्तार से बताए हैं, आप उनमें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आठ से विभाजकता के जांच की। दोस्तों, हमने आपको चार की विभाजकता का नियम बताया था, आठ की विभाजकता का नियम भी उसी प्रकार है। चार की विभाजकता में हम इकाई और दहाई यानी कि लास्ट की टू डिजिट देखते थे और आठ में हम लास्ट की थ्री डिजिट देखेंगे। लास्ट की थ्री डिजिट या फिर हम कह सकते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा वाला हम स्थान देखेंगे। जैसे हमने कुछ एग्जांपल देख लिए, हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे 1864 1024। तो हम इसमें क्या देखेंगे, हम लास्ट की तीन डिजिट देखेंगे। अगर ये डिजिट आठ से विभाजित हो रही है तो वह संख्या भी आठ से विभाजित होगी। अब हम आगे देख लेते हैं, अब हम आगे आपको बताएंगे 9, 10 और 11 के विभाजकता का नियम। 9 से फ्रेंड्स, 9 के विभाजकता का नियम एकदम 3 के विभाजकता के नियम के जैसा है। किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ने पे जो भी हमारा योगफल आएगा, अगर वो 9 से विभाजित हो रहा होगा तो हमारी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 2, 3, 4, 0, 9। अब क्या करना है, हमें इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ देना है आपस में, तो 2, 3, 4, 0 और 9 इनको आपस में जोड़ते हैं। 9 और 4, 13, 13 और 3, 16 और 2, 18। 18 9 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरीके से हम आगे और देख लेते हैं 10 से विभाजकता का नियम। 10 से विभाजकता का नियम बहुत ज्यादा आसान है, इसमें हमें कुछ नहीं देखना। अगर हमारी लास्ट डिजिट या फिर इकाई के अंक में, इकाई में अगर जीरो आ रहा है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, कोई और नंबर नहीं। सिर्फ हमें क्या देखना है कि वो 10 से जीरो आ रहा है तो वह 10 से विभाजित होगी। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया 50, 80, 120, तो ये संख्याएं 10 से विभाजित होंगी क्योंकि इनके अंत में जीरो आ रहा है। अब हम आगे बात करते हैं 11 से विभाजकता के नियम की। दोस्तों, इस नियम को बहुत ध्यान से सुनना कि 11 से विभाजकता का नियम क्या होता है। इसको हम आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझा देते हैं जिससे कि आपको हमारी बात जल्दी समझ में आ जाए। मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 909183 और अगर हमसे पूछा गया कि ये नंबर 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में पहले पहले तीसरे पांचवे सातवें इस तरीके से यानी कि अल्टरनेट नंबर्स को हम देख लेंगे और फिर उसके बचे हुए नंबर्स को, जैसे 9 के बाद आ जाइए फिर 9, आ जाइए फिर 8। अब ये पहला तीसरा और पांचवा स्थान है। फिर हम बात करते हैं 0 मतलब बचे हुए नंबर। हमारे पास कौन कौन सा नंबर बचा, 0 बचा, 1 बचा और 3 बचा। इनको हमने आपस में जोड़ा, ये कितना आया, 9 और 9 18 18 और 8, 9 और 9 18 26, और ये कितना आया आपके पास 4, कितना आ गया हमारे पास 22। तो
तो दोस्तों देखिए 22 जो है वो 11 से विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए ये ऐसी संख्याएं जिनमें हम जोड़ के ऐसे निकाल लेते हैं, तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये नंबर, अगर ये जो हमारा नंबर ये आ रहा है ये अगर 11 से विभाजित हो गया तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको विभाज्यता के सभी नियम बता दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इससे आपको पेपर में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आ रही है जो अभी तक मैंने बता दिए हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।